देखिए, ओहो क्या बात है भाई साहब, मतलब तेल है तो देखिए एक बार तेल निकालेंगे ऊपर से अगर हम तो सिर्फ तेल तेल निकलेगा और अंदर से निकाल। मुर्गा का डायनेमा है, डायनेमा है। हाँ नहीं लग रहा है गुलाब का फूल है, किसी को दे देंगे तो खुश हो जाएगा। कुछ सीक्रेट है क्या? बहुत ज़्यादा ना, सीक्रेट नहीं है, निकला अंदर में कुछ है नहीं है। आइए, मटन है, चुस्ता है, इसको हम लोग चुस्ता अपने भाषा में चुस्ता बोलते हैं। चलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरी इस नई सी वीडियो में। और अभी हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग थे बीटा चौक के पास। ये देखिए पीछे बीटा चौक है और यहीं पे ना, यहीं से क्रॉस कर रहे थे तो एक दुकान मिला जिसका नाम क्या था, जिसका नाम है भोजपुरी होटल। ये देखिए सामने दिख रहा होगा आपको। और यहाँ बहुत सारा भीड़ लगा हुआ है, क्या बन रहा है, क्या टेस्ट होने वाला है, सबका क्या प्राइस होने वाला है। हम चलते हैं अंदर और दिखाते हैं कि क्या क्या मिलेगा यहाँ पे और हम लोग क्या टेस्ट करने वाले हैं। आइए मेरे साथ। तो दोस्तों एक बार समझाते हैं आपको एड्रेस यहाँ का क्या है। ये देखिए सामने दिख रहा होगा बीटा चौराहा, और बीटा चौराहा के अगर आप इधर जाइएगा तो आपको दिखेगा मनेर, आगे निकल जाएगा सिवाला पे, इधर निकलेगा आपको पालीगंज और इस साइड निकलेगा आपको आरा। और यहीं पे चौराहा के ठीक पास आपको दिखेगा ये दुकान जहाँ पर लोग इन्जॉय कर रहे हैं अपने खाने को। कोई मटन चिकन खा रहा है, कोई लिट्टी खा रहा है, कोई सादा भोजन खा रहा है। और हम भी चलते हैं, देखते हैं कि क्या क्या मिल रहा है यहाँ पर, सबका प्राइस क्या होने वाला है, सबका टेस्ट क्या होने वाला है। और फिर हम लोग भी लेंगे, लगवाएंगे अपना प्लेट को, करेंगे ऑर्डर और खाएंगे, बताएंगे कि टेस्ट कैसा है। यहाँ पे दिखेगा आपको एकदम बिहारी स्टाइल का लिट्टी बन रहा है। ये देखिए साइड भी काफ़ी बड़ा बड़ा साइज इसका है। और यहाँ बन रहा है कोयले की आंच पे लिट्टी और अंदर रखा है सारा सामान, मतलब चिकन मटन सादा भोजन सब कुछ रखा है। एक बार दिखाते हैं क्या क्या यहाँ पे है। तो ये है बसंत जी जो कि दुकान के ऑनर है ना? हाँ। क्या क्या मिलता है आपके यहाँ पे? हमारे पास वेज और नॉन वेज दोनों खाना मिलता है। क्या क्या दिखा दीजिए मुझे एक बार। भेज में आपको शुद्ध लिट्टी सत्तू चने की है। अच्छा, यहाँ पे लट्टू और उसका आइटम है आपको चोखा। एक बार दिखाई चोखा चला करके देखिए, चोखा है ये देखिए, ये इनका चोखा है एकदम, और गाढ़ी गाढ़ी चोखा है एकदम, मेरा बिल्कुल पतला चोखा नहीं है जैसे पटना में मिलता है ना चोखा, वैसा चोखा नहीं है, एकदम गाढ़ा है। स्पेशली खाना हम लोग रखते हैं। अच्छा। और जनरली और सस्ता में, सस्ता में ठीक ना। क्या होता है इसका प्राइस? उसका एक का 15 होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद इसमें क्या है? इसमें आपको नॉन भेज खाने का आइटम है। अच्छा। सब्जी है, सब्जी है चना का है ना, चने और आलू की सब्जी है, चने और आलू की सब्जी है, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसके बाद ये हम लोग दाल चावल पर देते हैं। अच्छा, इसके बाद ये क्या है? ये लौकी चने की, ये भी दाल चावल का एक आइटम है। हाँ। चलिए, इसके बाद बगल में रखा हुआ आलू का भुंजिया है ठीक ना, आलू करेली की भी हो जाती है। अभी अच्छा। करेली खत्म है, तलवा रहा हूँ। हाँ। और ये प्याज है, ठीक है, बीच में सलाद भी हो जाता है ठीक ना, बदल बदल का चेंजिंग खाना हम लोग चेंज करते रहते बीच में खाना को नहीं, हमेशा रोज चेंजिंग खाना में कुछ और शाम को कुछ। अच्छा, शाम को लगा था खाना। हाँ ठीक है। ये क्या है? ये है चटनी है जो स्पेशली हम लोग अपने हाथ से बनाते हैं, या मार्केटेड कोई चीज़ नहीं है, अपना बनाया। अच्छा जी, चटनी है, दिखाई चला के एक बार। क्या क्या इसमें अमड़ा है? क्या ये अमड़ा है? इसमें बहुत कुछ मिक्सिंग है जो मैं अभी इस पर नहीं बता सकता हूँ। अच्छा, जैसे कि कुछ सीक्रेट है क्या? बहुत ज्यादा ना, सीक्रेट नहीं है। हाँ। लेकिन बहुत आइटम इसमें मिला के हम लोग टेस्टी बनाते हैं। अच्छा 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 अच्छा, बहुत अच्छा। यहाँ पे रखा हुआ तला हुआ मिर्च, और वहाँ चोखा है, चोखा और मेन चीज है, नींबू है और रहर की दाल ओरिजिनल रखते हैं। एक बार दिखा दीजिए रहर का दाल भी आपका। भाई साहब गांव में आएंगे ना तो आपको खाना ऐसा ही मिलेगा, हम शुद्ध खाना और सस्ता और अच्छा रखते हैं, गाड़ी दाल रखते हैं, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ठीक ना। और इधर रखा हुआ है नॉन वेज खाना का ये डिश है। वाह जी वाह, ये देखिए यहाँ फ्राई मछली है, मछली का ग्रेवी है। हाँ, और रंगत देखिए एक बार, तेल देखिए शानदार सा तेल है तो देखिए एक बार तेल निकालेंगे ऊपर से अगर हम तो सिर्फ तेल तेल निकलेगा और अंदर से निकालेंगे हम तो ग्रेवी के साथ तेल निकलेगा। ये देखिए आप, रस गाढ़ी है, बैठी हुई है। हाँ। और ये जो है चिकन है, चिकन है देहाती चिकन। हाँ, ये जो देहाती और फार्मिंग जो उपलब्ध होता है बनाते हैं। अच्छा ये, अच्छा बिक चुका है, कुछ माल थोड़ा सा है। कितना बनता है एक दिन आपके यहाँ पे? ये कोई लिमिट नहीं है, ये तो बाजार के ऊपर डिपेंड है। अच्छा, बाजार चला तो दोबारा बना, नहीं तो। ये देखिए रोगन देखिए, शानदार सा रोगन। और कैसा कितना दाम इसका? इसका है 50 का पीस हम लोग बेचते हैं। अच्छा, और ये भी रखते हैं? नहीं, ये पंजाबी रखते हैं, ये हम लोग स्टाफ के लिए अलग से। अच्छा अच्छा अच्छा, स्टाफ के लिए, बहुत बढ़िया। हाँ। तो इसके बाद बगल में है मटन है, वाह जी वाह, क्या मटन है, चुस्ता है, इसको हम लोग चुस्ता अपने भाषा में चुस्ता बोलते हैं। अच्छा, मटन का चुस्ता है, मटन का चुस्ता है। ये जो है मटन का पीस है जो 100 ग्राम का हम कटवाते हैं। 100 ग्राम का एक पीस होता है, नेट 100 ग्राम का बनवाते हैं। इसमें चर्बी भी होगा? हाँ, सब चर्बी वगैरह सब देख रहे हैं, चर्बी वगैरह ये देखिए। और हम सामने अपने सामने मटन को करवा के लाते हैं। बहुत शानदार, बहुत शानदार। ये देखिए, मतलब चुस्ता भी है इसके अंदर में और मटन का पीस भी है, चर्बी भी है और बहुत ही ज़्यादा जो ग्रेवी है ना, तेल जो है ना, तेल का काफ़ी अच्छा से यूज़ किए हैं। तो ये देखिए आप है, और अंदर से निकालते हैं हम ग्रेवी को। ये जो बनावट के ऊपर डिपेंड है, तेल हम लोग ज़्यादा यूज नहीं करते हैं। अच्छा, अच्छा, कि हार्मफुल ना हो। अच्छा अच्छा, मात्रे भर तेल रखते हैं। लेकिन जो हम लोग मटन लेते हैं एकदम जस्ट ऑलरेडी तैयार मटन और सही मटन लाते हैं जो बूढ़े और बच्चे सब खा सकते हैं। अच्छा, जिसका दांत भी नहीं है वो भी खा सकते हैं। अच्छा, ऐसा है? हाँ, वाह, वैसा हम लोग लाते हैं। ये कुकर में और इसे सिंझाने वाली मटन नहीं है, भून कर सिंझाने। बहुत खूबसूरत। इसका दाम क्या होता है? इसका प्राइस होता है 70 रुपये पीस। ऑलरेडी सभी जगह तो महंगा है और पीस भी छोटा देता है सब। लेकिन हमारे पास ऑलरेडी 100 ग्राम का पीस आपको मिलेगा, 100 ग्राम का पीस। और ये इसका दाम कितना होता है, चुस्ता का दाम? ये तो मार्केट में वजन से मिलता है। अगर 150 ग्राम का है और कच्चा जानबे करते हैं मटन का रेट इस समय 700-800 केजी चल रहा है कच्चा में। तो उस हिसाब से हम लोग इसका अपना शेड्यूल रेट रख करके दे देते हैं। 150 रुपया कितना? जैसे कि अब ये 200 ग्राम का है। हाँ, तो 200 ग्राम का कच्चा में ही पड़ गया ये आपको 120 का। अच्छा जी, इसमें 10 रुपया रख के 120। बहुत बढ़िया, मतलब प्राइस जो आपका है काफी बढ़िया। यहाँ देखिए गर्मा गर्म जो है चावल निकल रहा है। यहाँ जो भी खाना मिलेगा शुद्ध और ताजा मिलेगा, ताजा मिलेगा। ये देखिए कस्टमर बजा रहा है ग्रेवी अभी। और ये और हम लोग अपने घर का घी रखते हैं, मार्केटेड घी नहीं है। वाह, तो मतलब गांव में आकर के मजा आता है। नहीं, खाना जो शुद्ध मिलता है। ये देखिए घी का सेंटेड भी देख लीजिए। ये मार्केटेड घी नहीं है, ये अपना घर का घी है। ये ऐसा घी मार्केट में आपको नहीं मिलेगा, नहीं है, नहीं मिलेगा। सही बात है। हम लोग मिला जुला कर अपने स्तर से शुद्ध खाना और ओरिजिनल खाना रखते हैं, खिलाते हैं। तभी तो लोगों का भीड़ लग रहा है यहाँ पे, है ना। और इधर बन रहा है करेले का भुजिया, करेले का भुजिया बन रहा है बहुत। और सब कुछ ऐसा नहीं कि यहाँ पे गांव में आए हैं तो ऐसा नहीं कि गंदगी कुछ मिलेगा। सब कुछ देखिए बिल्कुल साफ सुथरा करके इसको लोग खिला रहे हैं। तो लगवाते हैं अपना प्लेट, लगवाते हैं अपना प्लेट, अब करते हैं टेस्ट, बताते हैं कि टेस्ट कैसा है। तो यहाँ पे कुछ कस्टमर जो खा रहे हैं, बड़ा प्यार से खा रहे थे। और क्या फीडबैक भैया, कैसा लगता है टेस्ट यहाँ का? बहुत बढ़िया टेस्ट है। मुर्गा चावल खा रहे हैं, मुर्गा का डायनेमा है, डायनेमा है, और अच्छा बनाते हैं यहाँ पे। कब से खा रहे हैं यहाँ पे? जब आते हैं, जब हम खाते हैं। कहाँ से आते हैं आप? हम आते हैं आरा से। आरा से यहाँ खाते हैं, मतलब दुकान तो यहाँ बहुत सारा है, तो यहाँ अच्छा लगता है। मेरा टेस्ट है ना, बढ़िया टेस्ट है। टेस्ट बढ़िया। आरा मिलता नहीं ऐसा खाना? क्या मिलता है मगर यहाँ थोड़ा अच्छा लगता है, इसलिए हम आते हैं। इधर आते हैं तो खाते हैं, खाते हैं। और लोगों का भीड़ बहुत है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोले कि लोकल लोग खा रहे हैं, बहुत जो लोग बाहर से आते हैं ना, उनको तो पता है कि यहाँ का स्वाद जो है ना कैसा है, तो वो दोबारा यहाँ पे ही आके खाते हैं। तो ऐसा टेस्ट है। हमारा प्लेट लग चुका है, करते हैं टेस्ट, दिखाते हैं कि टेस्ट जो है वो कैसा है। दोस्तों फाइनली जो है भोजपुरी होटल का ये देखिए मटन, यहाँ देखिए, यहाँ मटन है। उधर उधर मत जाइए, कैमरामैन बहुत घूम रहे हैं क्योंकि उनके मुंह में पानी आ रहा है। ये देखिए पीस जो है बहुत शानदार सा पीस है। ये देखिए पीस, देखिए ये है मटन का पीस। और 70 रुपीज़ के अकॉर्डिंग जो है ये बिल्कुल वर्थ है। और गांव में आकर के ना आपको अच्छा और ओरिजिनल चीज़ें मिलेगा खाने के लिए, इसकी तो गारंटी है भाई। ये है इनका चिकन का पीस और इसका दाम बोले तो ये है 50 रुपये का। और साथ में मिला है ग्रेवी। और इधर लिए हम लोगों ने लिया है लिट्टी, बिल्कुल देहाती स्टाइल का लिट्टी, बड़ा बड़ा लिट्टी है। और इसके अंदर ये देखिए, वाह, सतुआ भरा इसके अंदर में, साथ में मिला है चोखा। प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस है 15 रुपये, इसका 70, और इसका जो है चिकन का वो पड़ेगा 80 रुपये। तो आइए हम करते हैं पहले टेस्ट, हम एक टुकड़ा को ट्राई करते हैं यहाँ के चिकन के साथ। वाह, अब दिखाते हैं चिकन थोड़ा तोड़ करके। ये देख रहे हैं, एक हाथ से सारा काम हो रहा है भाई साहब, मतलब इतना शानदार चिकन है। और अब बारी टेस्ट करके समझ में आएगा कि कैसा चिकन का खुशबू और टेस्ट निकलने वाला है। देखिए आप, दिख रहा है? आइए अब करते हैं इसको टेस्ट हम। पहला बाइट खाते ही ऐसा लगा कि चंपारण प्योर अहुना मटन खा रहे हैं भाई साहब, मतलब ये फील निकल कर रहा है। एक अच्छा सा एकदम स्ट्रांग सा फ्लेवर है मसालों का। चिकन जो है ये देखिए आप, एकदम चिकन बहुत शानदार से बना है और टेस्ट वाकई में लाजवाब है। ये देखिए नली वाला पीस, और हम लोग ये पटना मिलता है नली वाला पीस, वो थोड़ा स्मॉल साइज़ का होता है, ये थोड़ा साइज़ में काफ़ी अच्छा है, बड़ा है। ये देखें, वाह, ये ओए ओए ओहो, क्या बात है भाई साहब। मतलब ये इतना अच्छा सा पक चुका है कि हड्डी और मांस हल्का सा खिंचाव करने पे अलग हो गया। और भाई साहब इसको खाने के लिए आपको आना पड़ेगा कहाँ पे, बीहटा पे। बीहटा अगर आप क्रॉस कर रहे हैं, मुझे पता है कि हर लोग तो नहीं पॉसिबल आना, इधर से कहीं क्रॉस कर रहे हैं आप, कहीं जा रहे हैं तो यहाँ रुक करके इस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए, देख रहे हैं, बिल्कुल ओहो, बिल्कुल लाल मटन। और ये चीज़ खाने के लिए आपको भाई साहब आना ही, लग रहा है गुलाब का फूल है, किसी को दे देंगे तो खुश हो जाएगा, है ना। आइए करते हैं इसको टेस्ट हम, और दिखाते हैं इसका टेस्ट कैसा है। भाई एकदम क्रीमी है, और जो बोलते तेल, इसका तेल काफ़ी अच्छा है। मतलब ये कहें कि तेल ही तेल है इसमें, मटन में ना। बहुत ही सुंदर पका हुआ है, टेस्ट काफ़ी अच्छा है। और एक बार निकालते हैं इसका हम मेन चीज़, और ये देखिए आप, दिख रहा है अंदर में कुछ है नहीं है। आइए लेते हैं और करते हैं इसको टेस्ट। बहुत बढ़िया भाई, देखो खाली हो गया, ये देखिए आप, हो गया खाली। मिला करके टेस्ट बढ़िया है, स्वाद बढ़िया है, ग्रेवी अच्छा है, लिट्टी बढ़िया है, सफाई काफ़ी अच्छा यहाँ पे है। तो मज़ा आ गया खा करके। हम ख़त्म करते हैं अपने इस वीडियो को और मिलते हैं आपको एक नई जगह पे। तो भाई को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि अगर यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं आप तो खाना खाइएगा कि नहीं खाइएगा। बाय बाय।